गाइज वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे आप सभी लोग, आई होप कि बढ़िया होंगे। आगे बढ़े ना। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा सीजन 33 का आ गया है और मेरा सीजन 34 में मैं उतरने वाला हूँ प्लेटियम 4 में। और गाइज आप लोगों को पता ही होगा मेरा वीडियो बहुत जल्दी नहीं आ रहा है और 10-12 दिन के बाद आज पहला वीडियो है और मेरा कुछ इशूज था जो इसलिए मैंने वीडियो डाल नहीं पाया और एडिट के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो नहीं अपलोड किया। तो गाइस आप लोग प्लीज़ मेरा दुख समझिएगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहले गेम पे मेरा बोया हो गया और इसी के साथ मेरा रैंक में जाता है 55+। और गाइस मैं मेरा मोबाइल थोड़ा बहुत लैग करता है तो इसलिए मैं ज़्यादा फाइट का वीडियो नहीं डालने वाला और मैं 20 वीडियो में सिर्फ 5 या 6 का ही वीडियो में लॉन्ग वाला डालूंगा और बाकी सब ओनली रैंक पुशिंग का डालूंगा। तो आप लोग में वीडियो के अंदर ही कुछ बातें बताना होगा तो मैं बता दूंगा, तो वैसे ही आप लोग देखते रहिए। तो गाइस मेरा यहीं पे गलती हो जाता है और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल जाता हूँ और सीधे मैं चला जाता हूँ 50+ में। मैं 4 स्टार पहुंच जाऊंगा और मैंने इसके आगे का वीडियो में करना भूल गया, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। तो गाइस मैं इतना रैंक पुशिंग में थोड़ी बहुत लग रहा था कि मैं भूल ही गया कि मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करना था वीडियो के लिए। तो गाइस प्लीज़ बुरा मत मानना और इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो आगे में और कुछ बताना हो तो मैं बताते रहूँगा। तो तब तक के लिए आप लोग इन्जॉय करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और जल्दी जल्दी मेरा 2K भी करवा दीजिए और हम लोग का फैमिली भी थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को एंजॉय करिए। अपने बंदे के ऊपर यहाँ पे ग्रेनेड फेंक दिया था और यहाँ पे राइट से मुझे बंदा मार दिया, तो मारने के लिए प्रयास कर रहा था तो ये पीछे से एक बंदे ने मार दिया। यार क्या करूँ, मैं थर्ड पार्टी कर रहा है बंदा तो मैं पीछे से आके मैं मर गया, तो मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। MP40 का 7-5 का ही डैमेज मिला और इसके पास लेवल 4 का वेस्ट भी था और उसके साथ वो क्या बोलता है और एक करेक्टर था ना उसका 2x दुगनी कर देता है, वो वेस्ट वाला करेक्टर था, तो इसीलिए मैं उसको डैमेज ज़्यादा दे नहीं पाया तो इस बंदे ने मुझे अच्छे से क्लियर कर दिए। तो गाइस अभी देखना मेरा इस बंदे में इस गेम में भी मैं 0 में ही मर जाता हूँ, 0 किल में, तो टॉप 8 में ही मर जाता हूँ, तो 16+ मिल जाता है। तो इस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ मैं, तो राइट किसी और साइड से बंदे ने मुझे मार देता है मुझे। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इस बंदे को मैंने वन टैप मतलब हेडशॉट मार दिया, तो आगे की बंदे को मारने ही जाता हूँ तभी ये इस बंदे ने कैसा मार दिया मुझे पता ही नहीं चला। तो चलिए इसको भी मार दिया, बदला पूरा हो गया और इसको बोया मिल गया। तो कोई ना गाइस चलिए अब देखते हैं हमारा प्लस कितना हुआ। अभी 22 का प्लस मिला और 4 स्टार में पहुँच गए, तो चलिए आगे वीडियो देखते रहिए इन्जॉय करते हुए। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देखना है एक ही बंदा बचा हुआ है और आप लोग मैं बता दूँ यहाँ पे कोई नूब लोबी भी नहीं आ रहा है ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादातर यहाँ पे बहुत प्रो बंदा ही आ रहा है, तो रैंक पुशिंग लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे बंदे को ग्रेनेड करता हूँ, सो यहाँ पे डैमेज थोड़ी बहुत पड़ती है और यहाँ पे मेरे हिसाब से 50 का डैमेज बचा है, HP बचा हुआ है उसका, तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत वो ग्रीन टट्टी वाला फेंक देता हूँ तो उसके पास ग्लोल ख़त्म हो जाती है शायद से। और उसके बाद मैं ग्रेनेड मतलब ग्रोजा चला के 40 का डैमेज देके उस बंदा मर जाता है। और गाइस इस बंदे ने बहुत दिक्कत दिया था तो इसलिए एक लोल इमोड भी दिखा दिया। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा प्लस कितना हुआ। तो यहाँ पे 52 का प्लस हुआ और मेरा ये पहला मैच था सुबह का, तो अब ये दूसरा मैच है और इसमें भी 13 का प्लस मिल रहा है। सो गाइस मैं कुछ में जल्दी मर जाता हूँ, कुछ में देर से, तो लास्ट टॉप 5 या टॉप 7 में जब बचता हूँ तभी मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाता हूँ, वरना मैं ओनली स्कोर का ही वीडियो दिखाता हूँ। तो आप लोग
प्लीज देखते रहिए और इंजॉय भी करते रहिएगा। और गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक करना तो मत भूलना, तो वीडियो आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पे देखना गाइस, ये बंदा मुझे कैंपिंग करते हुए मुझे भी मार दिया गाइस इस बंदे ने। तो ये पहला गेम था इसलिए मेरा 21 को प्लस लगा, तो वो देखते रहिए। गाइस देख सकते हो मुझे छोड़ के सिर्फ इन्हीं बंदा बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं अभी मैं बोया हो सकता है कि नहीं। और मुझे मार के मैंने एक बंदे को हेडशॉट मारने के बाद टॉप 3 था और नीचे के बंदे को मार दिया एक ने, तो मैं बचा हूँ और मेरा दुश्मन एक एनिमी बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्थ कमा के सुपर मेडिकेट मार देता हूँ और नीचे उतर जाता हूँ क्योंकि हेल्थ रिकवर हो जाती है खुद का खुद। और मैं नीचे जब उतरा तो इस बंदे ने मुझे हेडशॉट चिपका दिया, तो मैं अच्छे से उतर नहीं पाया, नहीं तो इस बंदे को मार देता शायद। तो 30 प्लस के साथ हम चलते हैं दूसरी गेम में और मेरा टीममेट भी बस अच्छा ही खेलता है थोड़ी बहुत। तो अभी देखना, हम दोनों को छोड़ के सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है, तो गाइस अभी देखते हैं इस बंदे को मार पाते हैं या नहीं। एक हेड लग गया उस बंदे को और उसके साथ मीसा था इसलिए उसको हम ज़्यादा से डिफॉल्ट से मार नहीं पा रहे थे। और इसको फिर से एक 93 या 90 का हेड लगा है, तो इस बंदे ने मुझे गाड़ी से मार दिया था, तो इस बंदे उतर दिया, तो इसी का वही गलती हो गया। तो इस बंदे को मार के हमारा बोया हो गया और गाइस यहाँ पे हमारा लग जाता है 5 स्टार हो जाता है हीरोइक पे। सो गाइस आप लोग देखते रहना आगे अब क्या होता है। और 6 किल के साथ हमारा 2 का स्ट्राइक लग जाता है और इस बोया में ये बोया मेरा अलग नेक्स्ट गेम नहीं था और ये मेरा अगला कुछ गेम के बाद था, तो इसलिए मेरा हीरोइक बोया का स्ट्राइक टूट गया था। तो आप लोग को एक दिलचस्प मत बोलना या स्क्रिप्ट पे भी मत बोलना। तो गाइस इसलिए मेरा बोया स्ट्राइक नहीं बढ़ा, तो उसके आगे भी मैं मर गया था ना। तो यहाँ पे देखना गाइस मेरा मोबाइल कैसे लैग करता है और इस बंदे को मैं मार ही नहीं पाया गाइस। और हरी टट्टी मैंने फेंक दिया था तो फिर किसी और ने चोरी कर दिया। तो गाइस आगे देखते रहिए। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मुझे छोड़ के सिर्फ 2 बंदा बचा हुआ है और ये गेम था हमारा स्क्वाड था, तो प्लीज भी मत बोलना कि मैं स्लो पुशिंग कर रहा था। तो गाइज यहाँ पे इस बंदे के पास ऑरेंज लाइन था, तो इस बंदे को मैंने कंफर्म कर दिया नॉक करके। तो यहाँ पे देखना लैंडमाइन था भाई, 2 लैंडमाइन था, तो मेरा बेस लेवल 4 का बेस लेवल 3 का बेस तोड़ दिया। तो गाइज यहाँ पे एक ही बंदा था, उस बंदे ने मुझे वो लैंडमाइन का इशारा देखकर मुझे मार दिया गाइस। अब क्या ही कर सकते हैं, उस लैंडमाइन की वजह से मैं मर गया वरना इस बंदे को मार ही देता शायद। और इस बंदे का नाम था B2K भाई, वाह एक B2K, तो MP40 चला के मार दिया मुझे। तो गाइस 29 प्लस के साथ मेरा गेम प्ले ख़त्म होता है और 9 किल करता हूँ भाई, सबसे हाई किल करता हूँ इस रैंक पुशिंग में। सो गाइस आगे देखते रहिए आगे में क्या होता है और आप लोगों को इस गेम में पता चल जाएगा कि मैं ज़्यादातर स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करता हूं। तो आप लोग देखिएगा यहां पे सिर्फ लास्ट बंदा बचा हुआ है हम दोनों को छोड़ के। और मेरे टीममेट को बता देता हूं कि उस बंदे को ना मारे क्योंकि उस बंदे को मैं मारूंगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा किल था मेरा टीममेट के पास। सो गाइस मेरे पास सिर्फ 3 ही किल था, तो इस बंदे को मारने के लिए जब भी जाता हूं गाइस मेरा मोबाइल लैग करता है भाई। अभी देख सकते हो मेरा मोबाइल जैसा हैंग और लैग कर रहा है ना, तो गाइस मेरा ये मोबाइल हैंग जैसे कर रहा है कि मैं इस बंदे को मार ही नहीं पा रहा हूँ। और सोनिया करेक्टर था इसलिए मेरे 3 सेकेंड में इस बंदे को हेडशॉट मारने के बाद में हमारा बोया हो जाता है। और गाइस इसमें देखना मेरा पहला गेम था और बोया के साथ प्लस हो गया हमारा और 4
4 किल के साथ हमारा गेम प्ले भी ख़त्म हो गया। और इस मैच में मैंने मैच नहीं दिखाया क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत हैंग कर रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।